बॉयज एंड गर्ल्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, सब अच्छा चल रहा होगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो कोई भी आदमी YouTube पे, जो भी आप कोई भी YouTube पे वीडियो लगाएंगे, तो आपको एक तकिया कलाम ज़रूर सुनने को मिलेगा, जो क्या है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए। खैर, मेरे केस में आप ये ना भी करें तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम बड़े लोग हैं। आज जिस मूवी का मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ, उसका नाम है रश्त्रा कवच ओम, जो कि किसी भी टिपिकल बॉलीवुड मूवी की टाइप की है। अगर आप बॉलीवुड मूवीज में थोड़ा भी इंटरेस्टेड हैं तो आपको ये मूवी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए ट्रेलर देखते हैं और जज करते हैं कि इस मूवी में क्या सीन्स चल रहे हैं। आइए देखते हैं इकट्ठे मिलके, आप भी और हम भी। शुरू शुरू के सीन्स में बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से वो बताते हैं किस तरह एक माँ के और एक बाप के दो बच्चे हैं, जिनमें से एक मर जाता है और एक अपनी मेमोरीज लूज कर जाता है, मतलब है कि उसकी याददाश्त गायब हो जाती है। अब ये आप देखें तो ये मोजेस जैकी शरीफ साहब हैं, जैकी शरीफ साहब जो कि किसी जमाने में दादा के नाम से पुकारे जाते थे, गैंगस्टर होते थे। और अब देखें जैकी भाई के साथ क्या होगा। जैकी भाई एक शरीफ देश की सेवा करने वाले आदमी है, जबकि जैकी भाई सर, दादा हम आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे, ये शेरवानी ये लुंगी आपको सूट नहीं करती, जैकी भाई प्रॉपर कपड़े पहना कीजिए। ये देखिए, अब ये बंदा जो वांटेड का सबसे बड़ा विलन था, जिसका पूरा करियर ही एक विलन होने के ऊपर बेस्ड है, यहां पे ये आदमी एक जर्नैल बन चुका है, जो कि सच है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में यूजुअली भी यही होता है, कोई भी आदमी जो एक अच्छा मर्डरर हो, एक अच्छा अगवा बनाए तावान कर लेता हो, तो वो जर्नैल बन ही जाता होता है। खैर, ये बात ऑफिशियली मैं नहीं कर सकता, ना ही मैंने की है, ये किसी और की बात है जो कि इस रिकॉर्डिंग में गलती से आई है, जो कि हम चूंकि नहीं ऐसी बातें करते। अब ये देखें जी, जैकी भाई को टकले मार रहे हैं, आग शाग गिर रही है, मतलब एक अच्छा बॉलीवुड वालों ने शोहल बनाया है। कोई भी बॉलीवुड की मूवी है, उसके अंदर एक सैड पार्ट आना बहुत जरूरी है। अब वो बताते हैं जी, इन्होंने अपने जो हमारा मेन हीरो है, मेन हीरो आदित्य रॉय कपूर, जिसको हम सब जानते हैं एज आशिकी 2 का मेन हीरो, इसकी ये बाकी मूवीज ये जवानी है दीवानी, मलंग और लूडो, इसमें इसका बेसिकली एक साइड रोल ही था, जबकि ये बंदा अभी इस मूवी के लिए आप नोटिस करेंगे, ये देखिए आप नोटिस करें इस बंदे ने क्या बॉडी के ऊपर अपनी मेहनत की है, किस तरह इस बंदे ने किसी भी टिपिकल साउथ एशियन वेट लिफ्टर की तरह सिर्फ डोले बनाए हैं और कुछ भी नहीं किया। क्योंकि अगर आप एशिया में और अगर आपने जिम लगाना है, बॉडी बनानी है, तो लेग्स का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और फिर अगला सीन फौरी तौर पे वो दिखाएंगे कि किस तरह हमारे सामने सुपरमैन, थॉर, आयरन मैन तो मैं कहता हूं पावा जी वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन हम च कह सकते हैं, आयरन मैन तो च है भाई, आपको क्या जरूरत थी इतना बड़ा एक लोहे का आर्मर बनाने की, जबकि हमारा बंदा हवाओं में जंपे मार के बंदे मार सकता है, सुपरमैन से बड़ा तो चे कोई हो ही नहीं सकता, भाई आपको क्या जरूरत थी किसी दूसरे प्लैनेट से यहाँ पे आने की, हमारे पास अपने ऐसे बंदे हैं जो आप देखिए किस तरह बंदे उड़ा उड़ा के मारते हैं। लेकिन सैडली वो एक छोटी सी हिट से ही गिर के, ये अगर हम देखें गौर से तो एक गोली से ही मर गया, जबकि सुपरमैन और आयरन मैन कभी भी एक गोली से ना मरते। ये देखिए, इसको नोट कीजिए, ऑडियंसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये शक्ल नोटिस करना। अगर आप लोगों को याद हो, अगर आप लोगों ने फोकस किया हो और रॉकस्टार आप लोगों को याद हो, तो ये वही बंदी है जो कि रॉकस्टार में नरगिस फाखरी की छोटी बहन के तौर पे आई थी। और देखिए आज ये बंदी खुद एक मूवी में लीड रोल प्ले कर रही है। अब यहां पे ट्विस्ट, एक क्लासिक बॉलीवुड मूवी वाला, एक क्लासिक बॉलीवुड मूवी वाला ट्विस्ट, ये जो हमारा हीरो है ओम, ये जैकी श्रॉफ का बच्चा निकला, जबकि जैकी श्रॉफ कोई बहुत बड़ा न्यूक्लियर साइंटिस्ट है। अब वो देखें जी, वो एक आपको स्ट्रेस शो कर रहे हैं जी, बहुत स्ट्रेस हो गई है, ओम की अम्मा भी टेंशन में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम इनिशियली डिस्कस नहीं की हमने, जो कि इस पॉइंट पे मेंशन करना बहुत जरूरी होगा, ओम इज नॉट अ नॉर्मल गाय, ओम एक कमांडो है, कमांडो। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडियन आर्मी के कमांडोज, ये देखें ओम एक कमांडो है। ऐसी ट्रेनिंग यूएस मरीन्स को भी नहीं दी जाती, ऐसी ट्रेनिंग आज तक किसी ने नहीं की जैसी इंडियन कमांडोज करते हैं, यह ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। इंडियन कमांडोज के अंदर कुछ सुपर ह्यूमन जेनेटिक्स होती है, यह हम माने या ना माने, इंडियन फोर्सेस बताएं या ना बताएं, इंडियन फोर्सेस के पास
कोई ना कोई सुपर सोल्जर सीरम है जो वो अपने इस तरह के कमांडोज को देते हैं, जिस तरह के आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, वो आदमी सिंगल हैंडेडली जितने स्टंट्स परफॉर्म कर पा रहा है, इतने आप 10-12 बंदे मिलके नहीं कर सकते, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। अंटिल अनलेस, ये देखिए, ये देखिए, हेलीकॉप्टर वाली मशीन गन से अगर आप किसी को गोलियां मारें, फिर मजा है ना गोलियां मारने का भी। नॉर्मल पिस्टल से गोलियां मारने का कोई फायदा नहीं है। ये देखिए, अपने बाप की चेता जला दिया उसने। ये देखिए, डांस आइटम सॉन्ग सीन्स फुल ऑन। अगर आपने आइटम सॉन्ग देखना है तब भी आप ये मूवी जरूर देखिए, आइटम सॉन्ग मिलेगा आपको, बॉडी शॉडी फुल दिखाएंगे आपको। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस मूवी की मेन कास्ट के बारे में, जो कि हम स्टार्ट करेंगे दादा से। दादा जैकी श्रॉफ। जैकी भाई 65 ईयर्स के हो गए हैं, बट अभी भी जैकी भाई थके नहीं हैं। आपका आशुतोष राणा, जिसकी मेन फिल्म्स इंक्लूड अवारापन एंड मर्डर राज, इस किस्म की मूवीज में ये ऑलरेडी एक्टिंग कर चुके हुए हैं। जिसके पास आपके प्रकाश राज, जिनको आप सब जानते हैं वांटेड के सबसे बड़े विलन, जहां से इनका करियर स्टार्ट हुआ था। आदित्य रॉय कपूर, ये देखिए, ये बड़ी आदित्य रॉय ने जो अब बना ली है, ये ना इससे पहले कभी थी आदित्य रॉय की, ना अब के बाद कुछ ज्यादा अरसा रहेगी, क्योंकि इस तरह की बॉडी सस्टेनेबल नहीं होती। आदित्य भाई आप कंफर्म कीजिएगा, अगर आप सस्टेन कर सके तो हमें प्लीज बताइएगा, हम भी आपकी जैसी बॉडी बनाना चाहते हैं। संजना सिंह, देखिए अभी छोटी सी हैं ये, 25 साल की, बट शी इज वर्किंग वेरी हार्ड, शी हैज गुड करियर इन फ्रंट ऑफ। अलनाज नरूजी, ये हैं वो जिनका आइटम सॉन्ग अगर आप देखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जरूर देखिए, मैं तो सपोर्ट करूंगा क्योंकि उन्होंने एक हार्ड वर्क की है। बाकी आपको हमारी जो भी कंटेंट्स में जो भी आपको कमी पेशी लगे, आप हमसे जरूर डिस्कस कीजिए, नीचे कमेंट्स में मेंशन कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बडीज को टैग कीजिए उनको, आप हमारी आवाज, ये देखिए बॉडी देखिए, हम आपको बॉडी भी दिखाएंगे, हम आपको सब दिखाएंगे और ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जो आपने पहले नहीं सुनी होगी। ये देखिए, इस बॉडी के पीछे आदित्य राय कपूर को ये मूवी मिली है, वरना कभी भी ना मिल पाती। यस द लेजेंड ओम द बैटल विद इन, क्या बात है जी, क्या बात है। तो खैर, आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए और कमेंट्स बताइए, आप हमें कमेंट्स दीजिए जो जो आप फ्यूचर में देखना चाहते हैं, ताकि हम आपके लिए वो लेके आएं।